गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि जैसे इंटरनेट आज की ज़रूरत है इंटरनेट, और इंटरनेट में जैसे हमारा डाटा रह होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिक्योर करने के लिए हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। हमें अपने नेट में जो डाटा हमने सेव किया है, इन्फॉर्मेशन जो सेव की है, उसको सिक्योर रखना है, जिसके कारण हमारा ये वर्ड बना है साइबर सिक्योरिटी। साइबर का मतलब यही आ गया, हमारा जो भी नेटवर्क है, एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारी ऑनलाइन चीज़ें हैं, वो आ जाती हैं साइबर में। और सिक्योरिटी हमें उन सब चीज़ों की, जैसे हमारी पर्सनल डाटा है, हमारी इमेजेस हैं, हमें उन चीज़ों को सिक्योर रखना है अपने, जहाँ पे भी हमने सेव किया है उसमें वो सिक्योर रहे। तो वही काम करता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? हमारी जो भी नेट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक वर्ड आ गया, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी जो है वो काम कैसे, बैकएंड में हमारे काम क्या करते हैं, वो एथिकल हैकर्स होते हैं, जो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि जो हैकर्स हैं वो हमारी चीज़ों को हैक ना कर सकें। वो एथिकल हैकर्स होते हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, हमारी जितना भी डाटा है उसको मेंटेन रखते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं हमारे तक ही। वो कोई भी हमें उन हमारे डाटा को हैक नहीं कर सकता। वो एथिकल हैकर्स होते हैं जो बैकएंड में बैठ के हमारी इन चीज़ों को सेफ कर रहे होते हैं। अब काफ़ी टाइप की हैकिंग आ जाती है। ठीक है, आपने इसे सुना ही हुआ है, थेफ्ट क्राइम आता है ना, साइबर थेफ्ट आता है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी फ़ोन में, हमारे पासवर्ड्स हैं, उनको हैक कर लेते हैं, हमारा बैलेंस को वो हैक, अकाउंट को हैक कर लेते हैं, है ना। ये होता है हमारा साइबर थेफ्ट, कि हमारे नेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थेफ्ट हो गया, चोरी करना, वो चोरी कर लेते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, और वो खुद हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर जाते हैं, उसको कहते हैं साइबर थेफ्ट। और एक और आता है फिशिंग। फिशिंग जैसे आपने आजकल देखा है कि जब भी हम कोई नेट वाली कुछ भी हम साइट ओपन करते हैं, वहाँ पे हमें अट्रैक्ट करती हैं कुछ चीज़ें ना, ऐसे ब्लिंक करती रहती हैं बार बार, कि वो हमें बताती है कि ओपन करो, और हमें चाहे मेल आ जाती है, कोई मेल आती है, मैसेजेस आते हैं कि हमारा लोन पास हो गया है, हमें इतनी लॉटरी लग गई है, आपको ये मिल जाएगा, कॉल्स भी आती हैं इवन ऐसी ना। तो ये क्या करते हैं, हमारा अकाउंट नंबर हमसे कि ये हम वो हमें कहते हैं कि आप इस बटन पे आप एक्सेप्ट करते जाओ, हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, और वो क्या होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हैक कर लेते हैं। ठीक है, फिशिंग आ गया, फिर स्नूपिंग एक आती है, क्योंकि काफ़ी ये टर्म्स हैं जिन पे हमारी जिस साइबर जो हैकर्स हैं वे बैठ के ये हमारे डाटा को चुराने के लिए बैठे रहते हैं। और ये प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस तरह से हैक करेंगे, तो हैक करके ये इन्फॉर्मेशन को, जैसे अब ये ज़रूरी क्यों है, है ना। अब एक इंडस्ट्री है, उनका एक कॉपीराइट होता है, हर एक कंपनीज के कॉपीराइट होते हैं, और ये कॉपीराइट एक सिंगल कंपनी का एक ही होता है। ये अगर दूसरे के किसी के पास है, दैट मीन वो क्या हो गया, कॉपीराइट क्या हो गया, किसी से कॉपी किया हुआ। तो ये जो हैकर्स हैं, ये कई समटाइम क्या करते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी है, उन्होंने अपना कॉपीराइट रखा है, वो उसको ही चुरा लेंगे, है ना। अगर उन्होंने उसको चुरा लिया तो उनका आगे जो उन्होंने टेंडर जो भी पास किया है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी एक कंपनीज के लिए भी ज़रूरी है, इवन स्कूल में भी ज़रूरी है। आजकल तो हमारा एक ज़रूरत बन गया ना नेट, हमारे नेट के थ्रू ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब चीज़ें नेट के थ्रू ही हो रही हैं, क्लासेस इवन हमारी नेट के थ्रू हो रही हैं। तो स्कूल के लिए ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी, हमारे कुछ एग्ज़ाम, हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हर चीज़ें हैं, ये भी हमारे सिक्योर होना चाहिए। अगर तो कुछ हैकर्स हैं जैसे, तो वो हैक कर लेंगे, है ना, तो क्वेश्चन पेपर उनके लिए अगर हैक कर लिया तो क्या हो गया, वो अपनी मेहनत से पास नहीं होंगे, वो पेपर बच्चे नहीं है, वो क्या करते हैं कि जैसे ये हैकर होते हैं, ये बच्चों को पेपर बेचते हैं, है ना, तो वो अर्न करेंगे, और बच्चों को क्या हो गया, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, और बैंकिंग के लिए आज के तो लाइफ में जो भी हमारा इस टाइम पे जो चल रहा है, हम टोटली डिपेंड हो गए हैं इंटरनेट बैंकिंग पे, है ना।
हमारे हर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, और अगर अगर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है नेट के थ्रू ही है, अगर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हैकर्स क्या करेंगे, हमारा अकाउंट खाली करते जाएंगे, बैंक का अकाउंट खाली करते जाएंगे, है ना। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पर्सनल डाटा जो हमने रखा हुआ, हर किसी की निजी कुछ ज़िंदगी में हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हाइड रखती हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो साइबर सिक्योरिटी ऑल हर एक जगह के लिए, आप घुमा के कुछ भी देखो हर एक जगह पे हमें, क्योंकि नेट हमारी ज़रूरत बन गया है ना। नेट हमारी छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक के लिए हमारी ज़रूरत बन गया है। हमें आज की डेट में कुछ भी चाहिए, हमें क्लास चाहिए, हम नेट के ऊपर जाते हैं। हमें अगर कुछ भी हाइड करना है, हम नेट से ढूंढते हैं, है ना। हमारी ज़रूरत बन गया है, और इसीलिए हमारी ज़रूरत को सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी आया है। तो बच्चों, जो भी हैकर्स होते हैं या कुछ भी साइबर क्राइम जैसे चल रहे हैं, उनसे बचो, ध्यान रखो और सेफली चलो। नेट हमारी ज़रूरत है। हाँ, आप सोशल साइट्स में भी जाओ, आप सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी यूज़ करो, बट बेटा बड़े ध्यान से, हमें हर चीज़ को बड़े ध्यान से चलना है और सोच समझ के चलना है। जहाँ पे इन चीज़ों के फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, हमें फ़ायदों के साथ साथ जो भी नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनका भी ख्याल रखना है। ठीक है बच्चे, हैव अ नाइस डे।